अस्सलाम वालेकुम। सुनो भाई, क्या हाल है? अच्छा यार, एक आर्डर अभी उठाया हुआ है और मैं जा रहा हूँ अब कस्टमर के पास आर्डर देने। और आजकल यार आपको पता है, थोड़े आर्डर भी लंबे दे रहे हैं ये हंगर। ये मेरे 2 महीने हो गए, 2 महीनों से। तो भाई अभी चलते हैं, ये मैं तो गाड़ी क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ। अगर आप करोगे और पुलिस ने पकड़ लिया तो भाई 150 का जो है गरामा देगी, जुर्माना लगाएगी 150, तो वो आपको फिर भरना रहेगा। ये कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पता होता है कि यहाँ यहाँ शुरता नहीं होगा, या बंदा थोड़ा ना आगे। अब मैं जा रहा हूँ ना, आगे भी देखते जा रहा हूँ लाइन में कहीं शुरता रुका हुआ या नहीं रुका हुआ। अगर गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं ना, शुरता कहीं पर है या नहीं है, तो इस तरह से है। ये इस साइड में बैठा रहता है, लेकिन वो बस ये कंट्रोल कर रहा होता है सिग्नल को, वो ये नहीं, यहाँ वो नहीं पकड़ेगा। अगर हाँ कोई ऐसी गलती करोगे तो पकड़ भी सकता है, वहाँ गाड़ी रुकी रहती है। तो आर्डर जो है आजकल वाकई में बहुत लंबे आर्डर आ रहे हैं, और ये 2 महीनों से ही आ रहे हैं। बाकी अभी टाइम है, लास्ट के दिन हैं, लास्ट के दिनों में आपको पता है आर्डर कवर करने रहते हैं। मेरे आर्डर तो सीधे सीधे को मेरे ख्याल में 40 आर्डर कम था, कुछ कवर किए हैं और कुछ मज़ीद करने हैं। अभी मेरे को 22 की एवरेज चाहिए हर रोज़, यानी 22 जो है मेरे को करना रहेगा आर्डर, तभी जाकर मेरा टारगेट होगा। और अगर टारगेट ना हुआ तो आपको पता है सीधे सीधे इन्होंने जो है सैलरी कट कर लेनी है यहाँ के, तकरीबन 300 और प्लस जो है 200 और भी कट हो जाएगा, यानी 500 तक इन्होंने फिर कट कर लेना है। 5-10 आर्डरों से भी आप रहे ना तो आप इतनी सैलरी कट हो जाएंगे। यार ये येलो लाइन क्रॉस नहीं करनी होती, ठीक है ना, लेकिन मैं मतलब अब जब आप इधर काम करोगे ना, पता होगा कि हाँ यार यहाँ पे कैमरा भी नहीं है और दूसरा यहाँ शुरते भी नहीं रहते, तो थोड़ा उधर जो है बंदा वो कर लेता है। लेकिन 150 का होता है शुरू में, तो भाई हमें बहुत वो होता था कि 150 भी, वैसे अभी भी मतलब लगता है कि यार 150 चला जाएगा। तो बहरहाल अभी भाई आर्डर करने हैं तो मतलब अब बाइक को भगाना ही पड़ेगा किसी भी रास्ते से। ऐसे भी इधर जो है शुरुता इतना होता नहीं है, तो इसलिए ये रिस्क ले रहे हैं। और अगर हो भी जाएगा ना तो 150 तक का ये करेंगे चालान। तो भाई अभी आर्डर जो है 22 की एवरेज चाहिए हर रोज़, मेरे को 22 आर्डर मारने हैं, तब भी जाकर जो है आर्डर कंप्लीट हो पाएंगे। कोशिश करते हैं, देखते हैं, हो सकता है कोई एक दो दिन अगर 25-25 लग जाते हैं, या 24-25-27 तक भी अगर कोई दिन लग गया तो फिर जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो भी 4-5 या 10 आर्डर से ही कम रहूँगा इतना ही, और अल्लाह खैर करे, कोशिश करते हैं। आपकी मज़ीद आप ये आर्डर चेक करो कि कल कितने किए थे और आज कितने किए हैं, मज़ीद जो है आगे फिर देखते हैं। बाकी अभी एक आर्डर उठाया हुआ है कस्टमर का, ये आर्डर देते हैं कस्टमर को। अच्छा यार, इधर जो है जैसे आप मतलब अब मैं ये आर्डर लेके जा रहा हूँ ना, अब ये मेरे को बोल रहा है इस जगह से आपने जो है मेरे ख्याल में कोई यू टर्न लेके आना है, 2 या 3 किलोमीटर बता रहा था। मैंने क्या किया, मैंने बाइक इधर ही से घुमा ली, और मतलब ये जगह ऐसी थी, कोई मसला था नहीं, तो इधर ही से घुमा के तो ये शॉर्टकट ले गया। और पहुँचे हैं अभी कस्टमर के घर, और अभी ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर था हर्फी का, अभी ऑर्डर ये कंप्लीट करते हैं। और बाकी यार ऑर्डर ये हुए हैं आज के, आप ये ऑर्डर भी चेक कर लो। 24 के 15 ऑर्डर थे, और कितने 2 रियल टिप्स मिले थे, घंटे कितने, 14 घंटे काम किया था, ठीक है। अभी आ जाओ आप 25 को, तो 25 को 20 ऑर्डर, एक कैंसिल हुआ ऑर्डर, और कैंसिल जो हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो वीडियो है वो अपलोड करूंगा कि एक तो कैसे कैंसिल कराया जाता है, और दूसरा जो है क्यों कैंसिल हुआ था, और कितने घंटे, 16 घंटे काम करके 20 ऑर्डर मारे। और अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, 15-16 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी जाकर शायद कोई कवर हो जाए ऑर्डर। लास्ट में थोड़े ऑर्डर भी होते हैं, तो ये है फिर। बाकी अभी 22 की एवरेज चाहिए, 22-23 की एवरेज, तो देखो फिर। और आज अभी तक अभी टाइम है ये क्या, अच्छा हाँ, 3 ऑर्डर किए हुए हैं अभी तक, तो अभी निकले हैं 7 बजे से, और देखते हैं फिर आज का क्या होता है।